महल में खूब दान लेने वाले आए। दुर्योधन कर्ण से कहे, कर्ण ज्यादा ज्यादा बांट, पांडवों के कोष को खाली कर, खूब बांट जा। न दुर्योधन को पता कि ये 100 ग्राम सोना देगा तो 200 आ जाएगा, न कर्ण को पता। अब खूब बांटे ईर्ष्यावश, जलन के वश, करो खाली। एक बार दुर्योधन पांडवों के महल में गया। पांडवों का महल इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, उसमें एक जल का सरोवर भी बना हुआ है। दुर्योधन उसमें चल रहा, जहां जल नहीं वहां तो पैर उठा के चलता, जैसे जल में चलते, और जहां सरोवर था वहां वैसे ही चलने लगा। सोई उस पानी में गिर गया और भीग गया। इतने में ही द्रौपदी को हंसी आ गई और अपने मुंह से वाणी से कह दिया हंसते हुए, रहे अंध के अंध। वाणी रूपी बाण को चला दिया। दुर्योधन को बहुत बुरा लगा और उसने उसी समय निश्चय किया कि इन पांडवों से तो द्वेष भाव ही रखूंगा, अपने जीते जी इनसे कभी, और द्रौपदी से तो अवश्य बदला लेना है। 12 वर्ष का वनवास हुआ द्युत कीड़ा के द्वारा, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। पांडवों पर बड़ा भारी संकट, भगवान आए, राज्य देने से बिल्कुल इनकार कर दिया दुर्योधन ने। बोले ना केशव, एक सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। भगवान बोले, दुर्योधन युद्ध तुमने नानी की कहानियों में सुना होगा, अभी युद्ध की विभीषिका देखी नहीं? हजारों स्त्रियां विधवाएं हो जाएंगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, रक्त की नदियां बह जाएंगी। और बंधुओं, महाभारत का विचित्र युद्ध छिड़ गया और उस विचित्र युद्ध में हमारे पांडवों की विजय हुई। जिसने अपना सहारा भगवान को मान लिया ना, देखो जब युद्ध की ठन गई ना, तो दोनों पक्ष भगवान के पास गए द्वारिका। पहले अर्जुन गए, भगवान सोए हुए थे तो जाके अर्जुन वहां बैठ गए। फिर दुर्योधन पहुंच गया, अर्जुन तो बैठे भगवान के पैरों के, अर्जुन पीछे गया फिर भी भगवान के सिरहाने की तरफ जाके बैठ। जब भगवान की निद्रा खुली ना, तो पहले अर्जुन भगवान को दिखाई। दुर्योधन बोला, भगवान मैं भी आया हुआ हूं। भगवान बोले, दुर्योधन ऐसा है, मैंने पहले अर्जुन को देखा है, इसलिए पहले अपनी बात अर्जुन कहेगा फिर आप कहे। और सुनो, आप लोग सहायता मांगने आए हैं ना? बोले हां भगवान। देखो, एक तरफ तो मेरी सेना रही और एक तरफ अकेला, और पहले अर्जुन मांगेगा क्या चीज? दुर्योधन बोला, ठीक है प्रभु। अब दुर्योधन को ये लग रहा है कि कहीं भगवान ने ये और कह दिया कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब दुर्योधन बोला कि मन ही मन कि ये ना अस्त्र उठाएगा ना शस्त्र उठाएगा, फिर इसको लेके क्या करेंगे? इसकी सेना को ले, कहीं सेना को ना ले ले अर्जुन। अर्जुन बोले, प्रभु अस्त्र और शस्त्र की जरूरत नहीं, हमें तो आपकी जरूरत है। जब भगवान को मांग लिया ना, तो दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ और बोला, गोविंद कोई बात नहीं, आप अर्जुन के साथ रह लो, मुझे आप अपनी सेना दे दो। भगवान बोले, ठीक है, दोनों संतुष्ट हो ना? अर्जुन बोले, हाँ गोविंद हम तो संतुष्ट, हमें तो आपकी जरूरत, बाकी तो हम पांचों भाई बहुत हैं। खूब युद्ध हुआ, घमासान विजय पांडवों की हुई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान से अगर मिलने की कामना है ना, तो अपने मन की जो डोर है ना, ये भगवान से लगा। भगवान से अपने मन की जो डोर है उसको भगवान से लगा, गोविंद के चरणों से जोड़ दो उसको, कि प्रभु जैसे पांडवों ने जोड़ी ना। पांडवों ने कहा,
हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए। तो चलो अपनी डोर भगवान के चरणों में आप भी जोड़ो।